शुक्रवार भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने शहर के पुलिस आयुक्त मितेश कुमार से मुलाकात कर कांग्रेस नेता शेख हुसैन को गिरफ्तार करने का ज्ञापन दिया। इसके बाद सीपी ऑफिस में पत्रकार परिषद ली। अब ये पत्र परिषद सुर्खियां बटोर रही है। इस पत्र परिषद का विरोध करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता ज्वाला धोटे ने उसी जगह पर पत्र परिषद करने की मांग को लेकर पुलिस भवन में आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान ज्वाला धोटे ने पुलिस आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी भी की। आइए डालते एक नजर। महाराष्ट्र उपराजधानी नागपुर मधे पुलिस प्रशासनाचा छान मस्त मनमानी कारभार सुरू आहे। या संपूर्ण कारभारला मनमानी कारभारला जबाबदार आहे अजगरासारखं सुस्त पडलेलं महाविकास आघाडी, निष्क्रिय वैफल्यग्रस्त महाविकास आघाडी, अपयशी महाविकास आघाडी, अपयशी महाराष्ट्राचं गृहविभाग आणि केंद्राच्या जोरावर मस्तावलेलं केंद्रीय मंत्रीच्या जोरावर मस्तावलेलं नागपूरचं विपक्ष। काल परवाची ऐतिहासिक घटना झाली। कालची तर नागपूरच्या इतिहासात काळ्या अक्षरात लिहिलं जाईल अशी ऐतिहासिक घटना या सुसज्ज आयुक्त कार्यालयात झाली। नवीन कार्यालय काल परवाला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या शुभ हस्ते या सुसज्ज इमारतीचं अनावरण झालं होतं। बाब अशी आहे की काल काही विपक्षाचे मुठभर नेते मंडळी पुलिस आयुक्तांना एक सामाजिक प्रश्नावर निवेदन द्यायला आले।